डाटा रिलीज किया है एम्स ने, उसके बाद आए हैं। देखो डेंगू की डेथ भी है, परंतु उसमें मैंने जैसे पहले ही बताया था कि दिल्ली की भी है, दिल्ली से बाहर की भी, उसको अलग अलग तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, बहुत दूर दूर से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। तो सभी लोग दिल्ली के नहीं है, जितने भी लोगों को इस बीमारी से डेथ हुई है उसमें काफी लोग बाहर के भी हैं, उसको अलग अलग डेटा आज बता दिया है। किन गुनिया नॉर्मली डेथ थ्रेटनिंग नहीं है। अगर आपको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको जुकाम होगा तो भी सीरियस हो सकता है, कोई भी वायरल फीवर आपके लिए सीरियस हो सकता है, कोई भी बीमारी सीरियस हो सकती है अगर आपको बहुत सारी बीमारियां पहले से हैं। अभी भी ये कहना है कि डॉक्टर आप एम्स के डॉक्टर का इंटरव्यू चलाइए ना, मेरा क्यों चला रहे हैं, नड्डा साहब का इंटरव्यू चलाइए, उन्होंने भी यही कहा है, एम्स के डॉक्टर ने भी कहा है कि अगर कोई आदमी को सिर्फ चिकनगुनिया है तो ऐसा कोई रिस्क नहीं है। ऐसे पैनिक होने की, पैनिक कराने से क्या हो जाएगा, आज भी आपको देखिएगा इतना पैनिक क्रिएट करने से क्या बेनिफिट मिलेगा। अब सबको डरा रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर, कहते हैं एडमिट, आज के अखबार भरे पड़े हैं कि एडमिट करने से डॉक्टर ने मना कर दिया, बेड खाली थे एडमिट नहीं किया। अरे एडमिट करने की जरूरत होगी तभी तो करेंगे, कल को कहेंगे हमारा ऑपरेशन नहीं किया, ऑपरेशन कर सकते थे, ऑपरेशन डॉक्टर डिसाइड करेगा भाई, एडमिशन डॉक्टर डिसाइड करेगा, मैं नहीं करूंगा, दिस इज डॉक्टर्स प्रेरोगेटिव, मैं डॉक्टर नहीं हूं, आप भी डॉक्टर नहीं है। हमें लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि डॉक्टर की अधिकार है, और दिल्ली सरकार के पास आज भी 1500 से ज्यादा बेड खाली हैं।